जादूगर मलतूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। एक कार्ड पैकेट है दोस्तों, जो नॉर्मल कार्ड्स है, दिखा देता हूं मैं। अब इसको मैं कार्ड देता हूं और ये कार्ड हम देख लेते हैं कौन सा है। इंड का 10 है, इसको वापस यहीं पर रख देता हूं मैं। अब ये टॉप वाला कार्ड देख लेते हैं, वो भी इंड का 10 है। अब सबसे नीचे वाला कार्ड देख लेते हैं, वो भी इंड का 10 है। बीच वाला कार्ड एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, ये सारे नॉर्मल कार्ड्स है। पूरा का पूरा इंड का 10 बन चुका है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। 3 ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जादू की रहस्य की ओर चलता है दोस्तों। ये एक अलग टाइप का ताश का पैकेट है जिसको जादू की दुनिया में स्वंगाली डक कहते हैं। स्वंगाली डक, यदि आपको ये कार्ड खरीदना हो किसी मैजिक कंपनी से तो उसका नाम स्वंगाली डक है। इस कार्ड का खासियत क्या है? अक्सर कार्ड के पैकेट के अंदर 52 पत्ते होते हैं, इसके अंदर 26 पत्ते एक ही तरह का है। यानी मेरे पास जो कार्ड है इसमें 26 पत्ते डायमंड 10 है। प्रोग्राम करने से पहले इस तरह से लेआउट करना है, एक नॉर्मल कार्ड, एक इंड का 10, एक इंड का 10, एक नॉर्मल कार्ड, फिर एक इंड का 10, एक नॉर्मल कार्ड, एक इंड का 10, नॉर्मल कार्ड, इंड का 10, नॉर्मल कार्ड, इंड का 10, नॉर्मल कार्ड। इस तरह से पूरे को लेआउट कर देना है। और दूसरा जो खासियत है इसके अंदर, जितना भी डायमंड 10 है, ये डायमंड 10 बाकी जो कार्ड है उससे थोड़ा सा लंबाई में छोटा है। जैसे इसको यहाँ पर हम देख रखकर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो जितना भी डायमंड 10 है उसको थोड़ा सा छोटा किया हुआ है। इस डक को यदि ऐसे हम दिखाएंगे तो पूरा का पूरा डायमंड 10 जो है वो छुप जाएगा, क्योंकि डायमंड 10 जितना भी है वो छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला कार्ड है नॉर्मल कार्ड, उसके पीछे वो छुप जाता है इस तरह से करने से। यदि इसको डक को ऐसा पकड़ करके ऐसा करेंगे तो केवल डायमंड 10 ही नजर आएगा पूरे में। ऐसा करेंगे तो पूरा डायमंड 10 नजर आएगा और ऐसा करेंगे तो पूरा नॉर्मल पत्ते नजर आएंगे। और दूसरे खासियत यह है, हम इस डक को किसी भी जगह से ऐसा काट दें
तो इसके जहां से काटा है उसका ऊपर वाला पत्ता डायमंड पैन नहीं निकलेगा। किसी भी जगह से इसको काट दो आप और जो पत्ते निकलेंगे वो डायमंड पैन नहीं होगा। और इस डक से आप 50 से अधिक जादू कर सकते हो, जिसमें से एक मैं आज आपको दिखाया हूँ। ये कार्ड को पहले ऐसा दिखा देना है, सब अलग अलग पत्ते हैं, डायमंड पेन एक भी नज़र नहीं आएगा आपको, नॉर्मल पत्ते है। और इसको नीचे रख दीजिए और इसको काट दीजिए इसे, और ये जो पत्ते निकलेंगे वो डायमंड पेन नहीं होगा, डायमंड पेन आया। और ये पत्ते को इसे ही वापस रख दो और इसके ऊपर जादू लगाओ, ये भी डायमंड पेन बन गया। नीचे वाले पर जादू लगा दो, वो भी डायमंड पेन बन गया। अभी एक बार ऑडियंस को दिखा दीजिए, अंदर वाला जो पत्ता है वो सारे अलग अलग है, अलग अलग पत्ते, डायमंड पेन एक भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको क्या करना है, या तो आप इस तरह से दिखाओ, पूरा पत्ते जो है डायमंड पेन दिखाई देगा। ऐसा करेंगे पूरा पत्ते डायमंड पेन होगा। नहीं तो आप क्या करो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, इसका इसे रखना है और कार्ड को स्प्रेड कर देना है।